रात अचानक बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया, जिससे पूरी तरह हमारी फसल नष्ट हो गई। बहुत मुश्किल से हम अपने जानवरों के, अपने पशुओं के और अपनी जान की रक्षा किए, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक भी, पूरी रात होने के बाद अब तक भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। बल्कि इसके बजाय हमें यहाँ से भी उठाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हटो, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या कहा जा रहा है। हमें पुलिस वाले यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, कोई भी आता है यहाँ से भगाने की, उठाने की धमकी देते हैं। जबकि हमारी जितनी भी फसल है, जो भी हमारे पशुओं का चारा था, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। जितनी भी हमारी भैंस थी, भैंस में जैसे हमारी घी हो गई, तोरी हो गई, करेला हो गए, मिर्चें हो गई, हरी मिर्च हो गई, ये पूरी तरह नुकसान, मतलब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, किसी भी तरह मतलब हम वो नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर सुविधा, तो बहुत दूर की बात है, टेंट लगना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक भी कोई मतलब ये पूछने नहीं आया कि कैसे हो, कैसे जान बचाइए, या आपके बालक कैसे हैं। जितना भी हमारा खाने पीने का राशन था, जो हमारी जो हम झोपड़ी झुग्गी बनाते हैं, वो पूरी तरह अभी भी वहीं पड़ा है। जितने हमारे खेतों के, हमारी जो एग्रीकल्चर खेती है, उसमें जो भी हमारे मतलब जैविक पदार्थ यूज़ होते थे, अभी भी हमारे वहीं तरह, जितने भी हमारे गेहूँ हैं, चावल है, आटा है, मसाले हैं, नमक मिर्च है, तेल है, सामान है, वो पूरी तरह वहीं अभी भी जलमग्न हो रखे हैं, पूरी तरह झोपड़ियों में डूबे। ये बताएं, पानी लगातार यहाँ तो खतरा ही खतरा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और दिल्ली गवर्नमेंट से तो कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ किसी तरह की भी। ये देखो, ये पन्नी डाल रखी है पीछे टेंट में, ये हमारी डाली हुई है। जान तो बारिश से तो बचे रहेंगे, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उधर पुस्ता सारा दराड़ खा रहा है, नया बनाया है ये जी, हमने तो रोड बनाया है, कुछ नहीं उसमें, सारे में इतने बड़े बड़े दराड़ आ रहे हैं, 78 जैसे हालात हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी और बढ़ा तो 78 जैसे हालात हो जाएंगे, और फिर बहुत पब्लिक खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। पुस्ता टूटा तो कितना खतरा है त्यागी जी, रिहायशी पुस्ता टूटा तो फिर दूसरा रास्ता नहीं है इस बुराड़ी गांव के क्षेत्र से, पूरे से कहीं को पानी निकल जाए, उधर बाईपास हो गया, इधर ये पुस्ता हो गया, इधर से ही पानी जाना, तो फिर कहीं से कोई रास्ता नहीं है, निकल लेगा। तो क्या संभावना है, क्योंकि पुश्ते में जो दरार आ रही है बता रहे, रिसाव हो सकता है क्या? हो सकता है, जितना पानी बता रहे हैं पीछे से टूट आ रहा है, तो इससे तो दरार में लिगड़ा है, एक बार शुरू हुआ तो फिर नहीं रुकता, चाहे गवर्नमेंट कितना ही जोर लगा लो। तो सावधान रहने की जरूरत है लोगों को भी। बिल्कुल, लोगों को, सभी को सावधान रहने की जरूरत है, और बिल्कुल बिल्कुल सावधान रहें, ये रहें रात में भी और दिन में भी, अगर ये पुश्ता ना टूट जाए। अगर पुश्ता टूट गया तो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, ये जितनी कॉलोनियां हैं सब कुछ नहीं बचेगा। यहाँ कुछ किसान हैं, मजदूर हैं, जो अंदर झोपड़ियों से आए हैं, अंदर उनका मकान नहीं है, तो बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से हुई है? दिल्ली सरकार की तरफ से तो टेंट भी नहीं लगे, ना इनको टेंट है, ऊपर जब बरसात होगी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे बंदर की तरह। तो क्या खाएंगे छोटे छोटे बच्चे? अब छोटे छोटे बच्चे का कहीं ना कहीं से हम करेंगे इंतजाम। भारतीय किसान यूनियन भानु से मैं खड़ा हूँ यहाँ, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, प्राइवेट नाव लगवाई है जो इनका सामान निकाल के ले रही है अंदर से। सरकारी नाव दिखाई दी या कोई? यहाँ कोई सरकारी नाव नहीं है, हमारी अपनी प्राइवेट नाव है जो हमने लगवा रखी है अपनी, बाकी कुछ नहीं है।